मैं पीएस बनोलिया, ईगो फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आपसे कुछ, अभी जैसे आपने एक प्रोग्राम एंजॉय किया और पूरा प्रोग्राम आपने देखा है, तो कुछ इस प्रोग्राम के बारे में जो आपकी फीलिंग्स रही है अब तक, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के बारे में किस तरह से मतलब प्रभावित हुए या फिर कौन सी ऐसी कमियाँ रही, अगर वो भी बता पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इसमें कोई भी कमी नहीं थी। प्रोग्राम का मेन जो मकसद था वो था नए जो आर्टिस्ट जिनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल हुआ था, उन नए बच्चों का टैलेंट बाहर निकालने के लिए और को आगे जाके मौका देने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि पीएस पताका मैडम और इको फिल्म प्रोडक्शन दोनों ने मिलकर ये किया है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि नए नए बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जी सर, आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा, तो मैं समझता हूँ ईको फिल्म प्रोडक्शन और पीएस प्रोडक्शन इस तरह के प्रोग्राम कराता रहेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं सर। हाँ, मेरा हम मिलना चाहेंगे यूके हरवानी से। यूके हरवानी से भी हैं यहाँ पे हमारे साथ और इन्होंने भी पूरा प्रोग्राम यहाँ पे देखा है और एंजॉय भी किया है, जैसा हमने फील किया है। फिर भी लोगों के व्यूज आना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सर, आप कुछ अपने व्यूज इस प्रोग्राम से संबंधित हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। व्यूज यही है, सबसे पहले तो मैं विपिन जी और पटाखा जी, उनका नाम पटाखा लेकिन देखने में भी पटाखा है, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये एक नई जो पहल की है इन सभी आर्टिस्टों के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं पहली बार यूपी इंडस्ट्री में पहुंचा हूं इस तरह के अवार्ड शो में। हरियाणा में तो बहुत होते रहते हैं, क्योंकि पहले यूपी इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब अप लेवल पे नहीं थी म्यूजिक लाइन ये, लेकिन अब जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है ये बहुत काबिले तारीफ है और इसका सारा श्रेय जाता है सभी आर्टिस्टों को जिन्होंने अपनी मेहनत, पुरजोर मेहनत और इतना स्ट्रगल करके इंडस्ट्री को उठाया है। ये बड़ा काबिले तारीफ है। आप भी सर बड़े गुणी इंसान हैं और पूरी टीम को बधाई। और विपिन जी ने ये भी कहा कि आगे आगे और भी बड़े अवार्ड शो किए जाएंगे, जितने जितने अच्छे अच्छे कलाकार आगे आएंगे निकलेंगे नाम होगा, और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, आप जब भी जहां बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या आपका नाम? सोनू मटोल। सोनू जी, आप भी अपने विचार रखिए हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो हमें हमारे को यहाँ पर आमंत्रित किया सिसोदिया जी का और पटाखा जी का, मैं दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच युवा कलाकारों के लिए तैयार किया है, जिसके अंतर्गत सभी युवा कलाकार, बड़े कलाकार आपस में मिलजुल कर एक साथ काम कर सके, ताकि कोई भेदभाव ना आए बड़े छोटे का, और इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। और हरियाणा के अंदर ही नहीं, यूपी के अंदर भी मैंने ऐसा प्रोग्राम इंडिया के अंदर देखा ही नहीं कि जहां पर सभी कलाकार एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हों। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की जिसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, एक धागे के अंदर हम मोती पिरो देते हैं, वो काम आज इस टीम ने करके दिखाया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे यहाँ पे जो भी कलाकार शामिल हुए थे उन्होंने बहुत तहे दिल से धन्यवाद किया है और बताया है कि किस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू भी हुआ है कलाकार, तो कलाकार को इसी तरह से स्टेज देना एक बहुत बड़ा काम है, जो बहुत बड़ा काम पीएस प्रोडक्शन और दूसरा एक फिल्म प्रोडक्शन ने किया है। ऐसे भी प्रोग्राम ये कराते रहेंगे, हम और भी कलाकारों से बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ईको फिल्म प्रोडक्शन और डीएस प्रोडक्शन द्वारा जो भी प्रोग्राम हुआ है, मैम पहले तो आपका नाम पूछना चाहूँगा। हाँ बाबा जी, सिर्फ आपको बस अब तक आपने यहाँ पे एंजॉय किया, कैसे बीता, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, बस थोड़ा सा उसके बारे में पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, इतनी मेहनत से उन्होंने प्रोग्राम किया, ईको फिल्म प्रोडक्शन एंड टीएस पटाखा जी ने यहाँ पे सभी आर्टिस्ट को सम्मानित किया, मुझे भी अच्छा खासा वेलकम करा, मेरी पोज में छोटे से कलाकार को इतने बड़े स्टेज पर लाकर खड़ा किया। तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ टीएस पटाखा मैम का और हमारे विपिन
विपिन सर का थैंक यू कहना चाहती हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और ऐसे ही आगे भी प्रोग्राम कराते रहे। इनके सेकंड प्रोग्राम में मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे ऐसा है कि आगे भी मुझे प्रोग्राम कराने का मौका मिले प्रोग्राम में। थैंक यू।